हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में। तो वैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी है शाम का टाइम, शाम के अभी लगभग 4:30 बजे हैं और मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। और ये दोपहर के बर्तन हैं, दोपहर के खाए हुए बर्तन हैं जो भी। तो खाना खाने के तुरंत बाद मैं साफ़ नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर जहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ इस जगह पर धूप बहुत ज़्यादा रहती है और इन दिनों गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और धूप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब गर्म हवा चलने लगी है तो फिर धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और हमारे यहाँ सिंक की व्यवस्था नहीं है इसीलिए हम बाहर ही बर्तन धोते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब छाया हो जाती है उसके बाद ही धोना शुरू करती हूँ। तो 4 बजे के बाद आ जाती है यहाँ पे धूप, यहाँ से चला जाता है, उसके बाद बर्तन धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पर। तो इसी तरह से हमारे यहाँ होता है। और दोपहर को खाने के तुरंत बाद हम लोग नहीं धोते हैं, कभी कभार ऐसा हुआ तो धो लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में ही धोते हैं। तो ये देखिए बर्तन मेरा साफ़ हो चुका है, अच्छी तरह से मैंने धो दिया है और इस जगह को भी मैं अच्छी तरह से पानी डाल के धो दूँगी और पानी को थोड़ा सा झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि जो गड्ढे हैं ना फटे हुए तो उनमें थोड़ा सा पानी रह जाता है, इसीलिए इनसे भी पानी मतलब मैं झाड़ू लगा के निकाल दूँगी। तो वैसे तो अभी गर्मी के मौसम में कोई प्रॉब्लम है नहीं, कहीं भी पानी हो तो सूख जाता है, पर थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। तो इससे अच्छा है कि अगर झाड़ू लगा दिया जाए तो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो वही मैंने किया, झाड़ू लगा दिया अच्छी तरह से और सब पानी सूख गया बहुत जल्दी। और सामने में इतना ज़्यादा मतलब भीगा भीगा रहे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं तुरंत के तुरंत झाड़ू मार देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े समेटने के लिए। ये सारे कपड़े जो आज मैंने धोए थे वो सूख गए हैं तो वो सब मैंने ला के रख दिया है और इस सब को अभी मैं समेट रही हूँ। और इस सब को तह लगाने के बाद मैं बाकी काम करूँगी। तो वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं थे आज, थोड़े बहुत हैं। आजकल तो मतलब इतना ज़्यादा कपड़ा यूज भी नहीं होता, जैसे ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और अभी तो नहीं होते हैं। और ऐसे भी रोज़ रोज़ धोइए कपड़े तो फिर थोड़ा बहुत मतलब कम हो जाता है रोज़ का, और 3-4 दिन तक नहीं धोया जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आजकल ऐसा ही कर रही हूँ कि रोज़ थोड़े थोड़े कपड़े धो देती हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं जमा होता है कपड़ा। तो ये सब देखिए मैं समेट रही हूँ कपड़े सारे। और कपड़ों के बाद मुझे अभी पलंग भी ठीक करना है क्योंकि अभी दोपहर में हम लोग यहाँ पर सोए हुए थे तो फिर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब चादर वगैरह इधर उधर हो गया था। तो वो सबको करने के बाद ये देखिए अभी शाम का टाइम है, मतलब अभी बजे हैं 7:30 और मैं अभी किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो ये आज सब्जी लाए थे तो खोला भी नहीं था, इसको ऐसे ही रख दिया था और थैली लेकर नहीं गए थे इसलिए उनको जो जहाँ से भी प्लास्टिक मिला, मतलब कहीं कहीं से मिला होगा पता नहीं, वो सब्जी वाले के यहाँ से ही मिला होगा उसी से ले आए हैं बांध उन के इधर उधर से। तो इतनी सारी सब्जी आई है आप लोग देखिए। तो आजकल लोहे वाली कढ़ाई से ही खाना बन रहा है, मतलब सब्जी वगैरह बनती है क्योंकि गैस आज ही सुबह में ही ख़त्म हो गया है और इंडक्शन में यही चल रहा है अभी। इंडक्शन का कढ़ाई भी ख़राब हो चुका है तो वो मुझे दूसरा लेना है, तो फ़िलहाल इसी में काम चलता है मेरा। और चल जाता है क्या, अच्छी खासी हो जाती है तो फिर इसी से चलता है। और कल आ जाएगा गैस हमारे यहाँ और मुझे साफ़ भी करना है थोड़ा सा गैस वाला टेबल, इसलिए रोक के रखा है। तो ये देखिए मैं सब्जी बना रही हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी और होगा हमारा रात का खाना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा ब्लॉग अगर किसी भी तरह से थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा और मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा।